नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल एके इंडिया में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी से बिहार पुलिस के मेरिट के लिए कि वो मेरिट जो है कब तक। लास्ट में मैं आप सभी को अपने जो मुझसे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि आप YouTube क्यों छोड़ रहे हो, उसका क्या रीज़न था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे सलाह भी दिया है कि सही में आप ऐसा मत करना क्योंकि आप करते हो, तो क्या रीज़न था, नहीं रीज़न था, इस वीडियो क्लास में मैं आप सभी से बात करूँगा। लेकिन सबसे ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट है बिहार पुलिस के मेरिट के लिए, देखो सबसे पहले मैं आप सभी को बिहार पुलिस के मेरिट की इन्फॉर्मेशन देने से पहले आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ। अभी तक आप सभी 17,000 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी उस फॉर्म को जरूर अप्लाई करो, जो कि बिहार पुलिस के लिए जो 11,800 कुछ भर्ती निकली है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ ऊपर लिंक दे दूंगा, आप ऊपर आई आइकन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखो अप्लाई करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, देखो 17,000 में से तकरीबन 10,000 सीट पे भर्ती है, 10,000 सीट पे से तकरीबन 7,000 तो डिस्क्वालीफाई होने वाले। देखो आप बुरा मत मानना इस बात के लिए कि मैंने आपको ही खास करके बोला है कि आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, मैंने ये नहीं बोल रहा। आपके लिए एक बैकअप प्लान है जो कि आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हो कितना मुश्किल से 500 रुपया लग रहा है, अगर आपका मेरिट आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो इस बार आप चांस भी ले सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी मेरिट आ जाएगा मैं अप्लाई नहीं करूंगा, तो अगर मे भी उधर से नहीं आता है तो आप इधर से भी हाथ धो बैठोगे और इधर से भी हाथ तो धो ही बैठे, तो दोनों जगह से पैर काटना अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को जाके अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि क्या मैं अप्लाई करूं, क्योंकि मेरा बिहार पुलिस में सब चीज़ क्लियर हो चुका है, वेट कर रहा हूँ मेरिट के लिए। तो प्लीज़ आप अप्लाई कर देना, क्योंकि 500 रुपये के लिए आप अपने लाइफ का रिस्क मत लो कि इतनी छोटी अमाउंट के लिए आप अपने लाइफ के लिए कुछ करते हो, तो ये गलत चीज़ है, आप अप्लाई कर देना। बात करते हैं इस 2017 की जो बिहार पुलिस के मेरिट के लिए, 2017 की जो बिहार पुलिस के मेरिट के लिए कि वो कब तक आएगी। इसके लिए मैं गया था CSBC के ऑफिस में भी, ठीक है, जहाँ मेरी थोड़ी सी सोर्स है, छोटी बहुत सोर्स भी है, तो वहाँ गया था। तो वहाँ पता किया मैंने, तो किसी तरह से पता चला है कि आप 15 तारीख तक वेट कर सकते हो, उसके बाद ही आप सभी को कोई डेट या इन्फॉर्मेशन जो भी होगा आप सभी को मिलेगा। देखो ये जो भर्ती आई है 11,800 के आसपास, तो आप एक तरीके से मान लो फ्रेंड्स, ये जो है हम लोग को लॉलीपॉप दिया गया। कैसे लॉलीपॉप दिया गया, ये गवर्नमेंट का कुछ पॉलिटिक्स है और हम पॉलिटिक्स पर नहीं जाना चाहते, मैं किसी पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं हूँ, किसी पॉलिटिशियन के लिए मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये लॉलीपॉप दिया गया और इस भर्ती को आपको 2019 इलेक्शन तक खींचा जाएगा, ठीक है। तो इस भर्ती के आ जाने के कारण से ही ये जो 2017 की मेरिट लिस्ट के लिए थी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हुआ, जो भी थी कार्यक्रम इनके, इसके कारण ये जो 2017 की डिले हो रही है 2018 भर्ती के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम है। 15 तारीख के बाद आप सभी को जो भी अपडेट होगा आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा। तो प्लीज आप सभी क्या करो, सबसे पहले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया जाकर के अप्लाई कर दो। और देखो बात सबसे बड़ी क्या थी मेरे साथ, जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप यूट्यूब क्यों छोड़ना चाहते हैं, अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई आइकन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इस वीडियो को भी देख सकते हो। उसमें मैंने रीजन बताया कि वो छोड़ना चाहता था। तो बहुत सारे लोग जो कि मुझसे प्यार भी करते हैं, उन लोगों का मानना है कि अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत सारे कैंडिडेट का फ्यूचर का सवाल है कि आप अच्छे करते हो, ये करते हो, मतलब पॉजिटिव वाली बात जो कि एक मोटिवेट मुझे किया। और बहुत सारे बातें सुनने को मिली हमें व्हाट्सएप पे, कॉल के तरह पे कि ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल गलत होगा हम लोग के साथ। तो सही बात है, गलत ही होगा उन लोगों के साथ, क्योंकि मैंने YouTube जो कैरियर बनाया था सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया था कि आप लोग के साथ इंटरेक्ट करते रहो, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहो, और आप ही लोग की कुछ सब्सक्राइबर के कारण, कुछ व्यूअर के कारण, जिनकी गलती के कारण आप सभी को मैं परेशान नहीं कर सकता, कुछ भी हो परेशानी मैं सह सकता हूँ, लेकिन आप लोग के साथ कुछ नहीं होने दूंगा, तो आप विश्वास करो। तो इसके लिए मैंने बोला था यूट्यूब छोड़ने के लिए, लेकिन अब आप सभी को भरोसा दिलाता हूँ, 100% भरोसा दिलाता हूँ कि यूट्यूब मैं नहीं छोड़ूंगा। आप सभी को रेगुलर बेसिस पे जो परेशान करता हूँ, आप सभी को रोज 2-3 वीडियो दे करके रोज करने को मैं तैयार हूँ, आप सभी को फिर से परेशान करने के लिए मैं रेडी हो चुका हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को अपडेट देखते रहना, आप सभी को रोज 2-3 वीडियो जो है जैसे मैं हमेशा प्रोवाइड कराता था, अब मैं आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कराता रहूंगा। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।